हेलो दोस्तों, मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा लोएड इन्वर्टर एसी के पीसीबी के ऊपर में। दोस्तों सबसे पहले आप यहां पे फोकस करेंगे तो मेरे पास यहां पे लोएड कंपनी की इन्वर्टर एसी की पीसीबी रिपेयर होने के लिए आई थी। जो मैकेनिक भाई लेके आए थे उन्होंने साइड पर गया, साइड पर चेक किया तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी कि आपका कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा था, मतलब कि जो आउटडोर में कंप्रेसर लगी थी वो कंप्रेसर ऑन नहीं हो रही थी। उसके बाद मेरे पास लेके आए, जब मेरे पास लेके आया तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखा इसके अंदर में दोस्तों आईजीबीटी लगती है पीएफसी के लिए। जैसे आपको यहाँ पे दिखाऊं, जैसे मेरे पास यहाँ पे सेम पीसीबी है, सेम टू सेम पीसीबी है, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले ये आईजीबीटी हो गया जो पीएफसी के लिए होती है। ये आईजीबीटी दोस्तों शॉर्ट हो गई थी। आईजीबीटी शॉर्ट होने के बाद में यहाँ पे इसके गेट पे डायरेक्ट यहाँ पे 13-14 वोल्ट 15 वोल्ट आ रहे थे। ओके, फिर मैंने यहाँ पे चेक किया तो इसकी ड्राइवर आईसी दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट मिली थी। ओके, तो मैंने यहाँ पे आईजीबीटी ड्राइवर आईसी दोनों को इंस्टॉल कर दिया, हमारा पीसीबी ओके हो गया और पीएफसी भी ऑन हो रहा है। पीएफसी दोस्तों ऑन ना होने के लिए हम यहाँ पे डीमर रखे हैं, डीमर से चेक करते हैं दोस्तों वोल्टेज को कम करके, तो पता चलता है कि हमारा पीएफसी ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी आप यहाँ पे फोकस करेंगे तो हमारा 6 का 6 पल्स यहाँ पे आउट हो गई टेस्टर में, आप देख सकते हैं बकायदा, और हमारा यहाँ पे कंप्रेसर रन हो रहा है। ओके, जैसे आपको यहाँ पे बताऊँ, सबसे पहले तो मैं लोड देता हूँ कंप्रेसर के ऊपर में, जैसे जैसे लोड दूंगा वैसे वैसे इसके ऊपर में एम्पियर बढ़ता जाएगा। अभी देख सकते हैं, तो मैंने लोड दिया, अभी दोस्तों मेरा पीसीबी ओके हो गया। अगर मान लो कि आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हो, अगर आपका इन्वर्टर एसी का पीसीबी कहीं नहीं रिपेयर हो पा रहा है तो एक बार दोस्तों मेरे यहाँ आके आप पीसीबी रिपेयर करवा के देखिए। जो मेरा शॉप का एड्रेस यहाँ पे देख सकते हैं, हट्टी चौक रुकमणी कम्प्लेक्स, शॉप नंबर A6 और राज इंडक्शन के नाम से है। एक बार पीसीबी रिपेयरिंग करवा के देखिए, यहाँ पे पीसीबी रिपेयरिंग हो जाएगी जो बिलासपुर में आपको कहीं नहीं बन पा रही। ओके, तो दोस्तों एक छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको कोई दिक्कत होती है दोस्तों तो मेरा नंबर भी है जो शॉप का नंबर है, वहाँ पे अगर पीसीबी आपको रिपेयर करवाना है तो उस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो और रिपेयरिंग करवा सकते हो। थैंक्स फॉर दोस्तों छोटी वीडियो के लिए।